खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हम बिल्कुल गंगा के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी निवासियों के गंगा क्षेत्र में मौजूद हैं इस वक्त, और ये गंगा की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। आज पूरे देश के लिए एक गौरवशाली दिन है, आज एक ऐसा दिन है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है, और इससे पहले कभी ये दिन इतिहास के पन्नों में नहीं था कि हमने अपने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा हो। देखिए, यहां का जोश आपको बता रहा होगा कि आज हमारी वायुसेना ने जो कमाल किया है, सरकार ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, उससे न केवल यहां के लोगों के यानी वाराणसी के निवासियों के चेहरे पर फक्र और मुस्कान है, बल्कि पूरे देश की छाती आज 56 इंच की हो चुकी है। हर 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 हर, ये है वाराणसी और ये है वाराणसी का जोश। और इसी जोश के साथ हम बात करेंगे, जब हम चर्चा करेंगे आज की इसको उपलब्धि पर, देश की उपलब्धि पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अजय राय आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अजय भाई के लिए। बहुत कद्दावर नेता हैं, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे चुके हैं और इस बार फिर मैदान में रहेंगे। समाजवादी पार्टी से मनोज राय धूपचंडी हमारे साथ हैं, एक बार जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी से रामगोपाल मोहले जी हमारे साथ हैं, जो अब तक हमारे बीच आ चुके हैं। और आप देखिए, अरे क्या बात है, मोहले जी के लिए तालियां कम बजी? आज तो देश मान रहा है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया, सबसे ज्यादा तालियां इनके लिए बजनी चाहिए थी। अजय जी, आपको भी बजानी चाहिए इनके लिए ताली। हाँ, बजाया भैया, अजय राय भी ताली बजा रहे हैं, तो फिर आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए बनारस के लिए, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, और आज पूरे देश को ऐसा लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। यह पूरे देश के लिए शौर्य की बात है, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। उसका एक नमूना आपने यहां पर भी देखा, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के मेहमान को इंट्रोड्यूस किया तो कांग्रेस के मेहमान ने तालियां बजा करके उनका स्वागत किया। तो आइए देखते हैं कैसे मोदी है तो मुमकिन है और कैसे मोदी थे तो यह मुमकिन हो पाया। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फौरन वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, वाराणसी से लाइव ये जारी है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ 56 इंच का सीना दिखाया है, उसके बाद से पाकिस्तान हिला हुआ है। मोदी ने पाकिस्तानी गीदड़ भभकी को बड़े तरीके से जवाब दिया। आज हम आपको आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की रणनीति के बारे में बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान देखता रह गया और भारतीय वायुसेना ने वो कर दिखाया जिसके बाद पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा है। मोदी की रणनीति समझिए। 14 फरवरी को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने पुलवामा में हमले को अंजाम दिया। मोदी इस हमले की खबर सुनने के बाद जब पहली बार देश के सामने आए तो साफ कह दिया कि आतंकियों ने बड़ी गलती कर दी है। मैं आतंकी संगठनों को
और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मोदी का इरादा साफ था, चट्टान की तरह मजबूती से देश के बारे में सोचने वाले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि पाकिस्तान समझ नहीं पाया कि मोदी क्या करने वाले हैं। Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidayeen jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidayeen action were eliminated. आतंक के खिलाफ भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मंगलवार का दिन चुना। इस दौरान 14 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक पीएम मोदी की रणनीति शांत रहने की रही। मोदी ने इस दौरान देश में विकास कार्यों को जनता के हवाले किया, जवानों को खुली छूट देने के साथ किसानों का भी ध्यान रखा, खुद कुंभ में जाकर स्नान किया और आस्था का सम्मान किया। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर कार्रवाई करते रहे। भारत से जाने वाला पानी रोक दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया, पाकिस्तान से आने वाला सामान बॉर्डर पर पड़ा रहा, पाकिस्तान को टमाटर के आंसू रोने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को टमाटर में उलझाकर मोदी ने सेना को रणनीति बनाने का पूरा समय दे दिया। 11 दिन की तनातनी के बाद 12वें दिन सोमवार को यह खबर आई कि दोनों देशों के बीच चलने वाली जो बस रुक गई थी वो फिर से शुरू हो गई। लगने लगा कि ये चीजें सामान्य हो रही हैं, लेकिन सामान्य माहौल को दुश्मनों के लिए जो असामान्य कर दे उसे ही तो मोदी कहते हैं। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। सोमवार की शाम को मोदी इंडिया गेट पर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन मन में पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्लान चल रहा था। इस मौके पर एनएसए अजीत डोभाल मोदी के साथ नहीं थे, क्योंकि डोभाल तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की रणनीति बना रहे थे। तारीख 26 फरवरी 2019, वक्त सुबह के 3:30 बजे। पाकिस्तान जब घोड़े बेचकर सो रहा था, तब हिंदुस्तान के सैनिकों के दिल में बदले की ज्वाला चल रही थी। देश के अलग अलग एयरबेस से एयरफोर्स के विमानों ने उड़ान भरी। दुश्मन देश को चकमा देने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान 20 जगहों से उड़े। दुश्मन देश समझ नहीं पाया और फिर भारतीय अटैकर प्लेन मिराज ने ताबड़तोड़ हजार हजार किलो की बम गिराकर आतंकियों का संहार कर दिया। वायुसेना ने सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि आतंकियों का नाश करने के लिए कहीं आगे जाकर बालाकोट में भी एक्शन को अंजाम दिया। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर प्रांत में पड़ता है। यहाँ भी आतंकी मसूद अजहर का आतंकी कैंप था। मसूद का रिश्तेदार सेना के एक्शन में मारा गया। दिस फैसिलिटी एट बालाकोट वॉज हेडेड बाय मौलाना यूसुफ अजहर अलायस उस्ताद घौरी द ब्रदर इन लॉ ऑफ मसूद अजहर चीफ ऑफ द JEM। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फर्मली एंड रेजोल्यूटली कमिटेड टू टेकिंग ऑल नेसेसरी मेजर्स टू फाइट द मेनेस ऑफ टेररिज्म। Hence,
This non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. सूत्रों की माने तो पीएम मोदी खुद कार्रवाई को मॉनिटर कर रहे थे। एनएसए अजीत डोभाल लगातार ऑपरेशन वाली टीम के संपर्क में थे। भारत के जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को कैसे मारा उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ट्विटर पर पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ये तस्वीरें ट्वीट की। इस तस्वीर के जारी होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने ये तो माना कि भारत की सेना ने एक्शन को अंजाम दिया है। मोदी की बदले वाली कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान सहमा हुआ है, वहाँ संसद में हंगामा हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद आज आके इस हाउस से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, आके ब्रीफ करें और ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मिस्टर स्पीकर, हमें चार दिन बाद, दो दिन बाद, दिस इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी कॉल्ड इमीडिएटली। पाकिस्तान परेशान है, इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। ये मोदी की ही रणनीति का हिस्सा है कि पाकिस्तान अपनी करनी पर आज रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आज दुनिया के सामने अलग थलग पड़ चुका है क्योंकि ये मोदी है जो बदला लेना चाहते हैं। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। तो आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये पूरी रिपोर्ट हमने यहां लाइव दिखाई है और इस रिपोर्ट के बीच जब जब लोगों को लगा उन्होंने पूरी जोश के साथ देश की शान में नारे लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया वाराणसी। और वाराणसी की सबसे अच्छी मिसाल, वाराणसी की सबसे अच्छी मिसाल तो अजय राय कायम कर चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपने जो वाराणसी का उदाहरण दिया है थे अजय राय जी, वाकई में एक बार मैं आपके लिए फिर तालियां बजवाना चाहता हूं। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि वादा सरकार ने यही किया था कि एक सिर के बदले 10 सिर लाया जाएगा और आज वो वादा पूरा हुआ। 40 जवान शहीद हुए थे, 400 आतंकी मार दिए गए, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये तो अभी सिर्फ अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। अभी तो मसूद अजहर बचा है, अभी हाफिज सईद बचा है। तो आइए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर अजय राय जी, आए और अपना स्थान लें, हम ये चर्चा शुरू करें। अरे भैया तालियां मत भूलिए, जोरदार तालियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी से राम गोपाल मोहाले जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपको, आप मंच पर आए। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मनोज राय धूपचंडी जी हैं। मनोज राय जी, आप आमंत्रित हैं, आइए। और आज आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक मंच पर, और ये इस अखंड भारत की एक तस्वीर है जिसमें जब हम दुश्मन से बदला लेते हैं तो एक हो जाते हैं, ये भूल करके कि हम कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं या भारतीय जनता पार्टी के। मैं सबसे पहले अजय राय जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा कि आज जब ये ऐतिहासिक घटना दर्ज हुई कि हमने पाकिस्तान को घर में घुस करके उसके 400 आतंकियों को ये भी नहीं पता लगने दिया कि वो 72 हूरों के पास पहुंच गए हैं, आपको कैसा लगा? नहीं, निश्चित तौर से सेना ने बहादुरी का काम किया है। हम अपने देश की सेना को सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। जबरदस्त तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की। मैं आपका भी रिएक्शन लूंगा, मुझे मालूम है आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है। इस शौर्य गाथा को हम जितनी बार दोहराएं वो कम है। देखिए, आज जो सेना ने किया है सुबह सुबह, उससे भारतीयों के मान को बढ़ावा मिला है, मस्तक ऊंचा हुआ है। और जो 42 जवानों में, जिसमें बनारस के भी दो जवान थे, हम तड़प रहे थे बदला लेने के लिए, वायुसेना ने वो बदला लिया। वायुसेना के शौर्य गाथा को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं जी। मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं राम गोपाल जी आपसे जानना चाहूंगा कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मैं पूरा देश गर्व में है,
और एयरफोर्स के उस नौजवानों से जिस तरह से आज जो हमला हुआ और जो आतंकवादी अड्डे थे जिस तरह से ध्वस्त किए गए, आज पूरी भारत की 130 करोड़ जनता के मन में एक विश्वास जागा है। और ये नेतृत्व जो देश के अंदर जो नेतृत्व कर रहा था उसने कहा था कि हमने सेना को छूट दी है, समय स्थान तुम तय करो, और वो करके दिखाया। आज पूरा देश कहीं ना कहीं 14 तारीख के बाद सबके मन में विश्वास था, लेकिन आज वो विश्वास और कायम हुआ। जैसा आपने कहा रणवीर जी कि अभी तो ये अंगड़ाई, मेरा नाम अनुराग है, अनुराग सॉरी अनुराग जी, आप रणवीर से अक्सर मिलते रहते हैं जी, वो वाराणसी देखते हैं, बोलिए। अनुराग जी जो आपने कहा ना अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो ये अंगड़ाई है। भारत ने बताया है कि अगर आतंकवाद को तुम समाप्त नहीं करोगे तो फिर हमको हम उस आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि तुम भी अंदर ही अंदर आतंकवाद से पीड़ित हो। तो आज कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान हमारे नौजवानों के साथ, सेना के नौजवानों के साथ, एयरफोर्स के उन नौजवानों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है जी। मैं अजय जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से रामगोपाल जी ने न केवल सेना को, सेना के शौर्य को इसका क्रेडिट दिया, बल्कि उन्होंने सरकार की इच्छा शक्ति को भी इसका क्रेडिट दिया। उन्होंने ये माना कि मोदी है तो मुमकिन है, कहा गया था सेना को छूट दी जाएगी, सेना को छूट दी गई और उसका नतीजा क्या हुआ आपने देखा। क्या आप नहीं मानते कि इसमें सरकार की इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारी वायुसेना के जांबाजों ने आज ये शौर्य हमें दिखाया? देखिए अनुराग जी, इसमें निश्चित तौर से सेना ने जांबाजी का काम किया, हमारे वायुसेना के पायलटों ने जबरदस्त तरीके से मिराज जहाज हिंदुस्तान में इंदिरा जी के समय आया, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने मिराज लिया। और आपको याद होगा कि 1971 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो लाहौर तक उन्होंने कब्जा किया था और पाकिस्तान के 90-91 हजार सैनिकों को सरेंडर कराया था, और उसी समय पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया था, एक बांग्लादेश के रूप में आज और एक पाकिस्तान के रूप में। तो फिर तो आपको फख्र होना चाहिए मोदी पर कि वो इंदिरा जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर से जो हमारी सरकार रही है उसने जबरदस्त तरीके से इंदिरा जी के समय कार्रवाई किया, और सरकार मजबूती से निर्णय लेना चाहिए, सरकार को निर्णय लेना चाहिए, सरकार उस पर निश्चित तौर से अपनी सेना को कभी दबा के नहीं रखना चाहिए, अपनी सेना को खुली छूट देनी चाहिए कि इस तरीके से आतंकवादी जो गतिविधियां चलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कठोरतम और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जी। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने जी अखिलेश यादव ने हमेशा कहा है कि सरकार कुछ ऐसा करे, अच्छा काम, देश हित का काम, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन आज मैंने अखिलेश यादव का भी ट्वीट देखा, उन्होंने सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की तारीफ की है, उन्होंने ये कहा कि हम इंडियन एयरफोर्स के साथ हैं, हम अपने जवानों के साथ हैं। क्या आप इस देश की सरकार के साथ नहीं है अगर हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अगर हम आतंकवाद को कुचलते हैं तो? नहीं, अगर हम वायुसेना के साथ हैं तो क्या सरकार के साथ नहीं है? हमने हमारे जो लोग जाके लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने अपने जिंदगी को दांव पे लगा करके भोर में 3 बजे देश, लेकिन ऐसा वो तब कर पाए जब सरकार ने उनके हाथ खोले, उन्हें छूट दी, उन्हें आदेश दिया। नहीं तो वो क्या म्यूजियम में रखने के लिए है सेना के लोग? हमारे 42 जवान हमारी सेना कभी म्यूजियम में नहीं रही, ये आप भी जानते हैं कि जब जब जिससे जंग हुई हमने जीती है, और पाकिस्तान को तो 4 बार मजा चखाया है, तब हमारे जवान म्यूजियम में नहीं थे। ये कहकर जवानों का अपमान मत कीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि 65 में भी हुआ, 71 में भी हुआ और 99 में भी हुआ, सेना ने हमेशा अपनी शौर्य गाथा को बढ़ावा दिया है। हमारे सेना के लोग जब निकलते हैं तो जीत करके आते हैं, टूट के नहीं आते हैं। और रहा सवाल, आज जो ये कार्रवाई हुई है वो ज्वाइंट विपक्ष के दबाव में हुई है, पूरा देश, पूरा विपक्ष, हर गली मोहल्ले के लोग ये चाहते थे कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे। अगर ऐसा सरकार ने किया है तो वो जन दबाव पे किया है, ना कि अपनी इच्छा शक्ति पे किया है। चलिए जनता के पास चले जाते हैं, जनता से पूछते हैं जी, पूछिए जी, बताएं। देखिए आज जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया है, वो एक बहुत बड़ा
ऐसा काम है जो आज पूरे हिंदुस्तान के वासियों के लिए गौरव करने का दिन है। हम इसके लिए सेना को बहुत बधाई देते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम सेना के साथ हैं, और अगर सेना के साथ हैं तो देश के साथ हैं, और अगर देश के साथ हो तो देश के चलाने वाली सरकार भी उसमें हिस्सेदार बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत योग्य। और हमारे साथ में यहाँ के एक शानदार कवि मौजूद हैं, खड़े हो जाइए। आज क्या कविता लिखी आपने? जो सेना के साथ है वो मेरी इन पंक्तियों को ध्यान से सुने कि सुन ले आतंकियों के आकाश सभी ध्यान से, ये शत्रुओं पे नर्म रुख छोड़ दिया सेना ने। सुन ले आतंकियों के आकाश सभी ध्यान से, ये शत्रुओं पे नर्म रुख छोड़ दिया सेना ने। और पुलवामा हमले में जो भी थे शरीक हुए, उन सभी का गला मरोड़ दिया सेना ने। पुलवामा हमले में जो भी थे शरीक हुए, उन सभी का गला मरोड़ दिया सेना ने। कि जिनकी बुरी निगाह हिंद पे लगी हुई थी, उनको जवाब ताबड़तोड़ दिया सेना। ध्यान से सुनिएगा कि जिनकी बुरी निगाह हिंद पे लगी हुई थी, उनको जवाब ताबड़तोड़ दिया सेना ने। और घुस कर दुश्मनों के गढ़ में कमाल किया, पाकिस्तानियों का मुंह तोड़ दिया सेना ने। और आखिरी बात सुन लो भैया, और इस पे आप सभी के सुनो, अरे नेताजी सुन लो, आप बोलो। मैं पाकिस्तान की जो बात है, पाकिस्तान की जो रोज रोज की हरकतें हैं, मैं उसकी हरकतों पे चार लाइनों में अपनी बात रखता हूँ कि है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना। चौथी पंक्तियों पे आप सबके दोनों हाथ उठ जाने चाहिए। है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना। जन्म से जो कमीना है, कमीना फन दिखाएगा। इतनी आग है इन कवि महोदय में कि तमाम परवाने इनसे चिपके हुए हैं और न जाने कितने मुझसे चिपक गए। देखिए तिरंगा लहरा रहा है काशी में। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश के जवान देश में पाकिस्तानों को धूल चटाए हैं, उसके लिए हम लोग सेना का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से मोदी जी इसके लिए हैं, हम लोग सेना का समर्थन करते हैं, पूरे देश के साथ खड़े हैं। मोदी मोदी हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो एक दिन होना ही था। जिस तरह पाकिस्तान तब तक नहीं समझता, जिस तरह रावण नहीं समझ रहा था अंगद और बजरंग बली के जाने पर भी, इसी तरह ये चाचर बार हार के भी नहीं समझ में आ रहा था, तो ये कदम तो उठाना ही था। आज हो चाहे कल हो, होना ही था ये चीज। जी इधर से कोई बोलिए। बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारा देश, बहुत सालों बाद नहीं, पहली बार सर हमारा देश एक हुआ है। सर आज की सुबह की घटना के बाद हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि अब की बार 350 के पार। देखिए सबसे पहले तो भारत माता की, आज आपको यहाँ काशी में कोई अलग ना जाति दिख रहा है, ना अलग पार्टी का दिख रहा है, ना अलग धर्म का दिख रहा है, ठीक है। तो राष्ट्र के लिए हम यही कहेंगे कि ये छोटा सा जो काम अभी सेना किया है, पहले सुनिए बात को, कि ये मतलब एक ट्रेलर था, इसमें इतना खुशी मनाने का बात नहीं है, धैर्य रखिए। और सब जैसे इसराइल को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ना स्वाभिमानी देश है, तो अभी कुछ अगर करता है पाकिस्तान या कुछ हो सकता है, तो देश को एक सूत्र में बन के रहना चाहिए, बस यही कहेंगे। और पॉलिटिक्स को, इस सेना का भी जो भी बात कर रहे हैं, इसको दूर कीजिए बस। यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पर भारत में आज इस तरह जश्न मनाया जा रहा है। आज 40 का जंग है, 340 जो है भारत के जो नौजवान हमारे जो वहाँ शहीद करके आए हैं, उसके लिए गर्व की बात है भारत के लिए। आज हम मुंह तोड़ इसको जवाब देना चाहते हैं पाकिस्तान को।
मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने सेना के जवाब सिपाहियों को बधाई देना चाहता हूं, और निश्चित रूप से अभी आपने कहा कि पहली बार देश एकजुट हुआ है, ये पहली बार इसलिए देश जुट हुआ है कि कांग्रेस को मालूम है कि ऐसे इश्यू पे कैसा रुख अख्तियार करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मालूम है। क्योंकि आप देखो 1971 का जंग, इंदिरा गांधी ने 90,000 सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और पाकिस्तान का दो फाड़ करके बांग्लादेश बना दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं आज इसके इस पहल इसके इतना सब कहने के बजाय कह दीजिए राहुल है तो मुमकिन है, सारा क्रेडिट राहुल गांधी को दे दीजिए और क्या, सारा क्रेडिट कि उन्होंने मोदी पर दबाव बनाया। निश्चित कांग्रेस ने पहले दिन से, कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पहले दिन से इस पे जो रुख अख्तियार करना चाहिए था उस रुख के साथ, ये बात सही है। मैं आ रहा हूँ। ये बात सही है कि सरकार जो भी करती है उसमें विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ होता है, विपक्ष के दबाव में सरकार को कई कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन ये कदम जो मोदी ने उठाया, जो हमारी वायुसेना ने उठाया, क्या वो विपक्ष के दबाव के चलते हुआ? ऐसा कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी के दबाव मुमकिन है? अरे वो कौन मना कर रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि विपक्ष का दबाव ना होता कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उनका 143 का पूरा देश इसके लिए एक साथ है, किसी विपक्ष किसी पक्ष की बात नहीं है, देश के नौजवानों ने, देश की सेना ने, पूरे भारत का मस्तिष्क ऊंचा किया है। उसमें कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जब दुनिया के अंदर भारत ऊपर जाता है, शीर्ष पे जाता है, तभी आगे बढ़ता है। 1971 में इंदिरा गांधी ने जब लड़ाई जीती तो पूरा विपक्ष ने उनका सम्मान किया। आज देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने 1971 के बाद पहली बार उस हमला आतंकवादी कैंपों पर, तो ये साहस की बात है। 1971 के बाद लगातार आतंकवादी गतिविधियां पूरे देश में हो रही थी, बनारस से लेकर दिल्ली से लेकर बॉम्बे से लेकर तमाम जगह आतंकवादियों ने घुस के आतंकवाद हरकतें की, लेकिन पहली बार ये तब क्यों नहीं हुआ जब संसद पर हमला हुआ था, तब भी तो आपकी सरकार थी। मैं क्या कह रहा हूं कि जब उस समय भी कारगिल के बाद से तारे समान सारी चीजें की, आज देश के नेतृत्व ने ये बता दिया कि हमने जो 56 इंच का सीना कहा था, एक के बदले 10 मारेंगे, 400 लोगों को मारेंगे। क्रेडिट ले रहे हैं मतलब आप? नहीं, हम क्रेडिट नहीं, ये पूरी क्रेडिट सेना को जाती है। जब लोग बात करेंगे 1971 की, इंदिरा गांधी की, तो फिर बीजेपी ने ये क्यों कहा मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन नहीं, देश की जनता कह रही है। आज यहाँ देश की जनता को विश्वास है। अच्छा देख लेते हैं यहाँ कितने लोग कह रहे हैं, बताइए कितने लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। अजय राय जी, यहाँ बड़ी संख्या है जो मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब ये इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेहमान सही कह रहे हैं कि ये उनका क्रेडिट नहीं है, ये जनता ने उन्हें क्रेडिट दिया है, जनता का विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये क्रेडिट लेने की बात नहीं है। इंदिरा गांधी ने जो किया उसे देश याद रखेगा, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन अगर मोदी का क्रेडिट मोदी को दिया जाना चाहिए तो उसमें आप 3 क्रेडिट अपने क्यों जोड़ देते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है, जनता को इसका क्रेडिट जाता है, जनता ने निश्चित तौर से नहीं, तो आपने क्रेडिट लिया, इंदिरा जी ने ये किया, इंदिरा जी ने वो किया, बोलते नहीं तो आप भी तो ये, आप पहली बार तो ये बोल रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है। मैं हाँ, पाकिस्तान के घर में घुस के उनके आतंकियों को पहली बार ऐसे मारा गया है जब उन्हें आंख खोलने का मौका भी ना दिया गया हो। 1971 में आप सबसे पूछ सकते हैं, 1971 में उनके घर में घुसकर इंदिरा गांधी ने कार्रवाई कराई थी। सर, सरप्राइज अटैक पहली बार हुआ है। अभी आप देखिए बात को घुमा दिया। मैंने घुमाया नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं बात घुमा नहीं रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। अभी कहा था आपने पहली बार सरप्राइज अटैक पहली बार घर में घुसकर पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ। आपने पहली बार यही कहा था कि पहली बार हुआ, फिर अभी आप आतंकी एलिमेंट मत भूलिए, आतंकियों पर हमला हुआ है, ये पहली बार हुआ है। पहली बार नहीं, इसके पहले 1971 में कार्रवाई हुई है, ये मान रहे हैं ना आप? 71 में कार्रवाई आतंकवादियों पर,
घर में घुसकर कार्रवाई हुई, आतंकवादियों पर, आतंकवादी चाहे जो भी उसके पोषक लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई। मैं वही कह रहा हूँ, ये जीना संतरे से समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो आप कह रहे हैं वो गलत है, इंदिरा जी को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं बात को घुमा भी नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ आतंकियों पर पहली बार ऐसे कार्रवाई हुई है। वो लोग उनको पोषक करने वाले थे, जो पोषण करने वाले थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी 71 में कि नहीं हुई थी? हुई थी ना, बिल्कुल हुई थी, और हारे थे वो, हारे थे, और 90,000 सैनिकों को उन्होंने घुटने टकवा दिए थे, ये मैंने बात कही है। और निश्चित तौर से इसमें क्रेडिट लेने की बात नहीं है किसी भी, जनता चाहती थी, इस देश की जनता चाहती थी। हम लोग दोनों शहीदों के घर गए, रमेश यादव के घर गए तोफापुर में, और अवधेश यादव के घर बहादुरपुर गए, उनकी पत्नी से बात हुई, उनके पिताजी से बात हुई, वो लोग चाहते थे कि हमसे कहा कि बचवा हमारा कलेजा तबियत ठंडा हुई, जब उन्होंने दिन पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण हिंदुस्तान करी उस दिन हमारा कलेजा ठंडा हुई, हम समझा कि हमारा बेटा आ गया। तो ये बात हिंदुस्तान की जनता चाहती है। तो मोदी तो वाराणसी के बेटे हैं, और हमला भी कर दिया, आतंकवादी भी मार दिए, अब आपका कलेजा ठंडा हुआ कि नहीं? नहीं, आप ये देखिए, अगर काशी के बेटे हैं, काशी के दो लाल शहीद हुए, क्या उनके घर मोदी जी गए? दोनों हमारे काशी के लोग थे, अवधेश यादव और रमेश यादव, मोदी जी का कार्यक्रम बनारस लगा था, ठीक है, आप आए, स्वागत है आपका, पर आप दोनों शहीदों के घर नहीं गए, तो कहां से काशी के बेटे हुए? आपको उनके घर जाना चाहिए लेकिन था। उन शहीदों का बदला 12 दिन में ले लिया। क्रेडिट जनता को जाता है, विपक्ष को जाता है, लेकिन उन शहीदों के परिवारों की मांग थी कि जिन आतंकियों ने उनके बेटे की जान ली है, उनके पति की जान ली है, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका जाए, मार दिया जाए, वो कर दिया मोदी ने। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जनता को क्रेडिट जाना चाहिए, ये जनता को जाना चाहिए। तो मोदी ने तो जनता को ही क्रेडिट दिया है, साफ तौर पर कहा है कि ये जनता के वोटों की ताकत है। मैं भी यहाँ की जनता को क्रेडिट दे रहा हूँ, अपनी काशी की जनता को दे रहा हूँ, देश की जनता को दे रहा हूँ। बिल्कुल, चलिए, स्वागत योग्य है। क्या आप भी ये मानते हैं कि मोदी ने ये बात सही कही कि ये उनका शौर्य नहीं है, ये जनता का शौर्य है जिन्होंने उनको वोट दिया है, ये जनता के वोटों की ताकत है जो हम पाकिस्तान में घुसकर वहां आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं? देखिए, ये भारतीय सेना का शौर्य है, वायु सेना का शौर्य है, और उसके जवानों का शौर्य है। जब युद्ध होता है तो जवान की छाती सामने रहती है, मरता वो है और घुस के मारता भी वही है। तो क्रेडिट जो वीर वायु सेना के लोग हैं उनको देना चाहिए, किसी सरकार को या किसी नेता के दल को जो है आप इस तरीके से क्रेडिट देके उनकी शौर्य गाथा को कमजोर कर रहे हैं। मतलब इन्होंने इंदिरा जी को क्रेडिट दिया वो गलत था, वो मोदी को दे रहे हैं वो गलत है? नहीं, आपने वो प्रकरण उठाया। मैंने कौन सा प्रकरण उठाया सर? अनुराग मुस्कान जी, आपने ये प्रकरण उठाया कि ये मोदी कर रहे हैं, तो मैंने जनता से पूछा कि क्या आपको लगता है ये मोदी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मेहमान ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, ये हमने नहीं कहा, ये जनता ने कहा है। मैंने आपके सामने जनता से पूछा। देखिए, जनता तो नया प्रधानमंत्री चुनने जा रही है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री में? जनता देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रही है। अच्छा, चलिए बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नया प्रधानमंत्री बनेगा, अभी तो सांसद का चुनाव होगा ना, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, सांसद का चुनाव होगा, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिल करके लोक दल के साथ दहाई की संख्या भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को डांकने नहीं देगी। यानी आपने अभी से राजनीति शुरू कर दी? हमने राजनीति नहीं शुरू की, आपने पूछा, अगर आप सवाल करिएगा तो जवाब तो। ये कह रहे हैं कि देश नया प्रधानमंत्री चुनने वाली है, लेकिन मन की बात अभी चुनाव से पहले आखिरी मन की बात जो मोदी जी ने कहा उसमें बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा कि अब मई के महीने में मुलाकात होगी और तब होगी मन की बात। कहां देश, उनको भी नहीं लगता देश नया प्रधानमंत्री चुनने वाली है, उन्हें भी लगता है कि देश फिर उन्हें सेवा का मौका देगी। यहां पर क्यों मोदी जी को मौका दोबारा मिलना चाहिए कि नहीं, अब बताइए इनको? मैं तो अपने साथ लेकर नहीं आया अजय जी। अच्छा, इस तरफ के लोग हाथ हिला रहे हैं, वो भी दिखा दिए भैया। हाँ, बिल्कुल दिखा रहे हैं जी। अजय जी, ये चौकीदार चोर है, ये आपके लोग हैं क्या जो ये इस तरीके की तख्तियां लेकर आए? हमारे लोग नहीं है, ये काशी के लोग हैं, बनारस के लोग हैं, जो बनारस के रहने वाले लोग हैं वो लोग ये दिखा रहे हैं कि राफेल में किस तरीके चीजें की गई, और आज मिराज विमान से आज चीजें आपने बम बरसाया वो मिराज कांग्रेस की देन है, बोफोर्स टॉप से आपने करगिल जीता वो मिराज 2000। हाँ, मिराज 2000। और आपने बोफोर्स टॉप से आपने जीता करगिल, वो भी कांग्रेस की देन है जी। मैं मोदी का विरोध करने वालों का भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये प्रायोजित नहीं होना चाहिए, वो गलत है। हाँ, बोलिए बोलिए। हम कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से सुनियोजित है
आज ये मसूद अजहर को भाजपा की सरकार में ही छोड़ा गया था, आज उस वही पाकिस्तान में बैठ करके भारत में आज जो घटनाएं घटी हो रही है ये भाजपा का दिया हुआ चीज है। आज यदि इस पर ये भाजपा वाले अपना ये सवाल कल भी मैंने मनीष तिवारी से पूछा था, आज अजय जी से पूछता हूँ। लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी के विरोधी ये कहते हैं, सुन लीजिए, आपका जवाब मैं इनसे ले रहा हूँ कि मसूद अजहर को छोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी ही थी। 200 लोगों की जान खतरे में थी उस विमान में, आपकी सरकार होती तो आप क्या करते, 200 लोगों को मरने देते उस विमान में? नहीं, पर आपको निर्णय लेना चाहिए कि जो आज रोज 200 लोग मर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, कितने हजार लोग मर गए अजहर मसूद को छोड़ने से, कितने लोग मरे आज जब से वो गया है। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से इसराइल ने निर्णय लिया था तो कोई बड़ा निर्णय आपको लेना चाहिए ऑपरेशन जैसे। क्या आपको नहीं लगता कि आज 3:30 बजे सुबह जो हुआ वो बड़ा निर्णय था? बिल्कुल बड़ा निर्णय है, तभी तो आज सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं कि सेना ने जबरदस्त तरीके से, हमारी वायुसेना ने जबरदस्त कार्रवाई की है। तो इस तरह का निर्णय लेना चाहिए, न कि उसको छोड़ दिया जाए और उसको जो है आप बिरयानी खिलाते हुए ले जाके कंधार छोड़ा है। चलिए जनता के पास चलते, चलिए जनता के पास। भाई साहब थोड़ा सा जगह दे दो ना, सबके पास आऊंगा मैं। हाँ देखिए, इस बार जो सुनियोजित तरीके से एयरफोर्स ने हमला किया, आज जनता का दबाव था, मोदी जी को मजबूरन ये करना पड़ा, नहीं तो जनता इनको कभी माफ नहीं करती। मैं बनारस का रहने वाला। अब कर दिया माफ के नहीं कर दिया? नहीं, मैंने अभी तक माफ नहीं करूंगा जब तक बनारस के लोगों को ये शुद्ध पानी नहीं पिला देंगे या सीवर का व्यवस्था सही नहीं कर लेंगे। आज बनारस में केवल 15% लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है, 85% लोग पानी के अभाव में खरीद के पानी पी रहे हैं। मोदी जी आप सुन लीजिए, इस बार आपका दाल नहीं गलना है, क्योंकि पानी शुद्ध नहीं है बनारस में, पढ़ाई मांगी। किसकी दाल गलेगी फिर इस बार, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की? इस बार राहुल गांधी की, इस बार राहुल गांधी की दाल गलनी तय है, इस बार राहुल गांधी की दाल गलनी। एक एक करके नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे सबके पास आऊंगा ऐसे। मैं सर्वप्रथम पहले भारतीय सेना का स्वागत करता हूं, उसको सम्मान देता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, आज मैं वही अपेक्षा मोदी जी से करता हूं कि हफ्ते दिन के अंदर उसका फिर दो बार टुकड़ा करके दिखाए, तब मैं मानू 56 इंच। चलिए मैं पूछ लेता हूं, सवाल का जवाब ले लेने दो भाई, सवाल का जवाब ले लेने दो। ये चाहते हैं कि आतंकियों का खात्मा तो हुआ है, पाकिस्तान का भी खात्मा होना चाहिए, तब मानेंगे कि मोदी जी हैं और मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, देश में ये निर्णय देश की सेना करेगी, देश का नेतृत्व करेगा। आपके डिबेट में ये तय नहीं होगा कि आगे क्या होगा। आज की डिबेट में हम चाहे माननीय अजय राय जी चाहे मनोज राय जी तय नहीं करेंगे, देश की सेना देश का नेतृत्व तय करेगा कि आगे क्या होगा। अनुराग जी, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जहां तक नेतृत्व की बात करते हैं, तमाम सारे लोग बोल रहे थे, मोदी जी ने आज तक नहीं कहा, उन्होंने कहा सौगंध इस माटी की देश नहीं झुकने। ये सुबह से कई बार हम सुन चुके हैं, मुझे मेरी बात सुनिए, लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान को तो मोदी ने पानी पिला दिया, बनारस की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाए। ये बनारस की जनता और पूरे देश का विकास हो रहा है। अभी बरेईपुर में 2007 से वाटर टैंक ने WTP नहीं बनी थी, उसको बनवाया, बनारस में पानी मिल रहा। देखिए, प्रायोजित तरीके से कोई कहे मैं उसका जवाब देने, आज काफी बदल रहा है। आज लगी आप काशी में आए हैं, आप रात को घूमिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा काफी कितना बदला है। एयरपोर्ट से जब आप उतरे होंगे तो आपको लगा होगा कि हम नई काशी में आए। तो नरेंद्र भाई मोदी ने इस काशी नहीं पूरे पूर्वांचल को बहुत कुछ दिया है, इसलिए विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नरेंद्र भाई मोदी समर्पित है और देश की सुरक्षा, सौगंध इस माटी की देश नहीं झुकने दूंगा, इस बात को जो कहा। ठीक है भैया, देखिए सुनिए, अगर यहाँ पुलिस को आपको मैनेज करना पड़े तो ये बड़े शर्म की बात है। मैं बड़े सम्मान के साथ हर किसी के पास आ रहा हूँ, हर किसी से बात कर रहा हूँ, बट इस तरीके से नारेबाजी मत कीजिए। मैं तो हर तरीके के स्वर ले रहा हूँ, विरोध का स्वर भी ले रहा हूँ। आइए बोलिए, क्या बोलना है, बोलिए। हेलो, अरे बोलिए, आपकी आवाज आ रही, पूरा देश सुन रहा है, बोलिए, मोदी जी भी सुन रहे हैं।
कि प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं वो मेरे लिए ठीक है, क्योंकि एक गरीब देखो खबर मत करो यहाँ पर, एक गरीब आदमी सुनो यार, माँ की बात तो सुन लो भाई, आप अपने नेता को नहीं सुन रहे, अपनी माँ को नहीं सुन रहे, किसी का तो सम्मान रखो भाई, बोलिए। 40 बरस से मैं घाट पर मर रहा हूँ, बार बुन्नी में मकान झोपड़ी लगाकर मैं जी खा रहा हूँ ये धरती पर, और मेरा घर मकान कुछ नहीं है। क्या शिकायत है मोदी जी से, कह दीजिए आज। सुनिए तुम, मैंने पूरा देश सुन रहा है आपको। और ना हमको घर मिला ना हमको मकान मिला, तो हम कहाँ जाएंगे? तो मैं ये जान रहा हूँ कि मोदी को वोट दिया जाएगा, फिर भी दिया जाएगा मोदी को वोट, बाकी हमको घर मकान दे। अजय राय जी, ये भरोसा है माता जी का, इनका सम्मान आप करेंगे। देखिए, ये जनता का भरोसा है, मैंने अपने घर से नहीं लाया, लेकिन ये कहती हैं कि इन्हें अब तक घर नहीं मिला, इनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ये वोट मोदी को ही देंगी। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? अब इनकी सोच है भाई, अब वो उनको अगर लगता है ऐसा, अभी तक इनको मकान नहीं मिला तो गरीब महिला है बेचारी, इनको लगेगा कि शायद आज नहीं कल मिल जाए, अगर मैं मोदी जी की बड़ाई कर दूं शायद मुझे कल घर मिल जाए। आप दे दीजिए ना इनको घर, मेरे पास होता तो मैं अब तक दे दिया होता, बिल्कुल दे देता मैं। अजय राय जी, कितना बड़ा घर चाहिए उनको, कितना बड़ा घर चाहिए? अजय, आप तो बड़े दिल वाले हैं, बिल्कुल दे देंगे। हम यहाँ सांसद होते तो अब तक बेचारी को एक नहीं चार घर दे देते। मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, SC ST घाट पर उन्होंने फावड़ा चलाया, यहीं पर उन्हें। मोदी जी से पहले कौन था? मोदी जी के पहले जोशी जी थे। जोशी जी से पहले कौन था? जोशी जी के पहले शंकर प्रसाद जायसवाल जी। तो कितना तो अच्छा मैदान है आपके लिए खेलने के लिए, कि इतने इतने सांसद यहाँ से हुए लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। अजय राय ही कर सकते हैं, लेकिन जनता को फिर भी मोदी पे भरोसा है, क्यों? डंके की चोट पर मैं, हम सब लोग काम करने वाले लोग हैं। ये बनारस में आप देखिए, अभी उन्होंने 2 दिन पहले इलाहाबाद में सफाई कर्मियों के पांव धोए, देखा सब लोगों ने, और कल यहाँ बनारस के अंदर वही जो सफाई कर्मी था उनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई, वो कल सड़क पर आकर उसका विरोध किए, और उनको जो मिलता था 700 कर्मचारी सड़क पर कल बनारस उनके संसदीय क्षेत्र में सड़क पे लोग बैठे थे आके। जी, मोदी जी सफाई कर्मचारियों के पैर पखार रहे प्रयागराज में जाकर, लेकिन अजय राय जी का कहना है कि यहाँ उनके संसदीय क्षेत्र में सफाई कर्मचारी उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है उनको, न मोदी जी बनारस को साफ पानी पिला पाए, न यहाँ के सफाई कर्मचारियों को पैसा दिला पाए, तो पाकिस्तान को पिलाते रहिए पानी। अगर उनके संसदीय क्षेत्र में ही लोग प्यासे हैं, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, तो आप धुलाते रहिए पैर, किसी का क्या फर्क पड़ता है? मैं एक बात बताऊं आपसे, इस विषय को काशी की जनता और पूर्वांचल ये देख रहा है कि विकास कितना हुआ। अगर आप एयरपोर्ट पे आए होंगे, अरे एयरपोर्ट पे मैं नहीं, मैं एयरपोर्ट पे आया, लेकिन हर कोई एयरपोर्ट पे नहीं आ सकता, साफ पानी तो दिलाइए। पूरी सुनेंगे आप? नहीं, आप तीसरी बार बोल रहे हैं आप एयरपोर्ट पे आए। अनुराग जी, काशी की जनता पानी भी मिल रहा है, सीवर भी मिल रहा है, सफाई कर्मी की जहां तक बात है, वो स्ट्राइक, वो व्यक्तिगत लोगों ने आंदोलन किया, उसकी भी बात होगी। और जहां तक एक बात, ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये वेतन के लिए सड़क पर फेंका कूड़ा, ये आपके काशी की ही खबर है। संदर्भ में संज्ञान अधिकारी ले रहे हैं, इस संदर्भ में जो भी ILFS कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, कार्रवाई होगी। चलिए साहब, कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन 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 मुझे अफसोस है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के ठप्पे के साथ ये बैनर पोस्टर यहाँ लाए जा रहे हैं। ये जनता की आवाज होनी चाहिए थी, लेकिन हाँ विपक्ष की ये भूमिका है कि वो जनता की आवाज उठाए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये अजय राय के साथ आए हुए लोग हैं या ये यहाँ की जनता है। बोलिए बोलिए। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि सरहद पे जवान शहीद होता है, उसके शहादत का दर्द देश और उसकी परिवार झेलती है, और बदला जब सेना लेती है तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी क्यों लेती है? अरे भैया, नरेंद्र मोदी ने कहाँ श्रेय लिया, वो तो जनता को श्रेय दे रहे हैं। ये आपके जैसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो पोस्टर बैनर छपवा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, लाइए, अच्छा इधर लाइए, वो वाला पोस्टर कहाँ गया, लाइए वो, लाइए मेरे को दीजिए, मुझे दीजिए। अजय राय जी, जो इंडियन यूथ कांग्रेस ने पोस्टर छपवाया उसे आप जनता की आवाज बता रहे हैं,
और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी को श्रेय देते हुए पोस्टर लगवाए उसे आप कह रहे हैं कि मोदी श्रेय ले रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, ये दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाते हुए पोस्टर छपवा रहे हैं, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ, इसका भी स्वागत करता हूँ, लेकिन क्या अंतर है बताइए, क्या है? ये आम जनता की बात, जिनको दो महीने से तनख्वाह नहीं मिला, आप सफाई कर्मचारियों के पांव पखारते हैं और उनके लोगों ने आश्वासन ले लिया कार्रवाई होगी, कार्रवाई की बात नहीं है, दो महीने से गरीब लोगों की तनख्वाह नहीं मिली, आप गरीबों का पांव पखारते हैं, ये अपने घर के बच्चों को कैसे दूध पिलाएंगे, कैसे दवाई करेंगे, कैसे ये भोजन करेंगे, दो महीना तक इनको तनख्वाह, और सारे बड़े अधिकारी तनख्वाह ले रहे हैं और मौज मस्ती ले रहे हैं, जो रोज झाड़ू लगा रहा है, जो गली साफ कर रहा है, जो कूड़ा फेंक रहा है, जो पूरे शहर को सफाई कर रहा है, उसको दो महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी तो वो माताजी आकर कह गई कि वोट मोदी को दूंगी। देखिए वो की उनकी बात तो नहीं, मीन जनरल की बात कर रहे हैं आप, किसी जनरली तो थी, ये जो आज ये यूथ कांग्रेस ने उठाया, ये जनता की आवाज उठाई है, ये अंतर है। अच्छा वो जनता की आवाज नहीं थी जो वो बोल करके आवाज है, पर उनका अपना उसे फायदा दिख रहा है कि मुझे मकाकर मैं उनकी बड़ाई कर दूंगा तो शायद हमें मकान मिल जाए। अच्छा चलिए आप नीचे रहे भैया, नीचे मंच पर मत आइए। ये किसका मोबाइल था? अरे किसका मोबाइल था भाई? आपका मोबाइल था, ले लीजिए। हाँ नहीं नीचे नहीं। अच्छा चलिए, आपका नाम क्या है भाई साहब? दमदार बनारसी जी की एक कविता हो जाए, शांत रहिए और हटिए। देखिए मैं नहीं चाहता पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े, है ना, बड़ा। देखिए काशी देखिए मैं बताऊं आपको, काशी की जो छवि है ना, वो पूरे देश में जा रही है, पूरे देश में। आप बिल्कुल सुनूंगा, चलो पहले स्टूडेंट की आवाज सुन लेते हैं। रुकिए। अरे भाई साहब रुकिए, अरे आने तो दीजिए, आप ही के लोग आपको पीछे धकेल दे रहे हैं, मैं क्या करूं बताइए। माइक नहीं दूंगा आपको, सामने आना पड़ेगा, बोलिए, आगे आ जाओ फिर, तब तक दमदार। हाँ मैं कनाडा से आया हूँ और अभी मुझे इतना फर्क दिखा है, इतने अच्छे फ्लाईओवर बने, स्वच्छता इतनी है, इतना अच्छा कंट्रोल है, लगता है कि विकास हुआ है, विकास को स्थान दीजिए, मोदी शुड बी बैक, मोदी को आना ही चाहिए, इतना बहुत काम हुआ है और अगले और सालों में काम होना है, फर्क मैंने देखा है कि मैं आपको बता सकता हूँ, और सारी जनता को इस बात को नोटिस करना होगा कि चेंज अच्छा के लिए हुआ है और चेंज होना ही चाहिए। ठीक है अजय राय जी, फर्क आते आते आता है, कनाडा से आए हैं, NRI हैं, यहीं के रहने वाले हैं, कह रहे हैं मैंने बहुत फर्क देखा, जब काशी छोड़ा था तब काशी कुछ और था, अब फ्लाईओवर बन गए हैं, साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, अंतर आते आते आता है, सुधार आते आते आता है। 5 साल में आप एक सरकार के कामकाज का आकलन करने लगे? देखिए ऐसा है, और अपना चाहते हैं कि 60 और 70 साल का भी हिसाब ना हो? नहीं नहीं पूरा हो, 60-70 का हिसाब हो, उसी 60-70 साल ने जो आज आप जो बात कर रहे हैं कि मिराज 2000 ने आज वहां बम गिराया, वही 60-70 साल की मिराज की देन है। मिराज किसकी देन है? मिराज ने बम नहीं गिराया, भारतीय वायु सेना ने गिराया, हमारे जाबाज सैनिकों ने गिराया, जहाज अपने आप बम नहीं गिराता अजय राय जी, मिराज ये तो बात अलग है कि मिराज नहीं होता और ये नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कि मिराज के अंदर पायलट नहीं होता, हमारे जाबाज सैनिक नहीं होते हैं, पायलट ये 5 साल के नहीं है, पायलट हमारे पुराने चले आ रहे हैं। 5 साल पहले जहाज भी था, 5 साल पहले पायलट भी थे, 5 साल पहले वायुसेना के जांबाज सैनिक भी थे, क्यों नहीं गिरवा दिया आपने बम, सरकार आपकी थी? किया है हमने 1971 में पाकिस्तान को दो टुकड़ा कर दिया, हम वहाँ के 90,000 सैनिकों को हमने घुटने टेकवा दिए, हमारी जबरदस्त तरीके से कार्रवाई हुई है, और इनकी तरह ढिंडोरा पीट कर काम नहीं करते, हम घर में घुस के मारते हैं कांग्रेस के लोग, और कार्रवाई किया है, चाहे वो कोई भी आक्रमण रहा हो, चाहे मालदीव का रहा, चाहे वो पाकिस्तान का रहा, हमारी कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई की है, और हम ढिंडोरा नहीं पीटते, हम उसको इवेंट नहीं बनाते, हम कार्रवाई करते हैं कांग्रेस के लोग। उधर नहीं गया मैं, उधर जाता हूँ, एक मिनट, आ रहा हूँ, सब जगह जाना है, बोलो भैया। हेलो, कृपया सभी एक मिनट, आप बोलो, आपकी आवाज आ रही है। भैया जी सभी लोग ध्यान दें, एक बार जो 47 का यूथ, जो युवाओं में जागृत भावना जो इस बार हुई है सन 1900 की, वो 47 की यूथ की भावना, वही जागृत भावना वीरों की
इस 70 में जाकर के मिली है, जो 47 की भावना थी। हालांकि हम नहीं जानते मोदी सरकार ने क्या किया, परंतु इंसान के चरित्र और व्यवहार को देखकर उसे मात दी जाती है। हम उसके चरित्र और व्यवहार को देखकर के सैल्यूट देते हैं, हमें नहीं चाहिए कोच। ये है ABP News, आपको रखे आगे।